Beginning of being a family, it's the beginning of being together, not for 1 year, not for 2 years, but hopefully for much longer. दोस्तों अभी रिसेंटली हमें केएल राहुल और संजीव गोयनका की यहाँ पर कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, जहाँ पर लखनऊ के मुकाबला हारने के बाद गोयनका नीचे आकर केएल राहुल को यहाँ पर सबके सामने लाइव मीडिया के सामने सुना दिया था, उनको यहाँ पर झाड़ दिया था। और अब यहाँ पर केएल राहुल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इवन यहाँ पर आज सुबह ही यहाँ पर संजीव गोयनका लखनऊ के मैनेजमेंट के सामने यहाँ पर केएल राहुल से माफी मांग ली और केएल राहुल को कहा कि उन्हीं की टीम है, अपने अकॉर्डिंग चलाए और इस टीम को सक्सेसफुल बनाए। लेकिन केएल राहुल फिर भी खुश नहीं है। केएल राहुल का स्टेटमेंट है कि संजीव गोयनका जैसे यहाँ पर इतने लेजेंडरी बिजनेसमैन से इस प्रकार की यहाँ पर हरकत उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी। और अब यहाँ पर लाइव करोड़ों लोगों के सामने इस प्रकार से यहाँ पर बिहेवियर के बाद वो इस फ्रेंचाइजी से खेलना नहीं चाहेंगे। केएल राहुल ने कहा है कि गोयनका सर के ट्रस्ट के बाद ही ये पंजाब को उस समय छोड़कर लखनऊ में आए थे और लखनऊ में इनके साथ इस प्रकार का बिहेवियर किया गया। तो उन्होंने कहा कि अगले साल वो शायद ही यहाँ पर इस टीम से खेलेंगे। वो फर्दर अभी भी काफ़ी टाइम है डिसीजन लेने में, लेकिन उन्होंने कहा कि हैज ऑफ नाउ उनके अकॉर्डिंग तो ये जो दो लखनऊ के मैच बचे उनके आईपीएल करियर के लखनऊ के लिए आखिरी मुकाबले। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप अगले साल आखिर केएल राहुल को कौन सी टीम में देखना चाहोगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें।